हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक और नेपाल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेजरिंग डिवाइस के बारे में। ये देख सकते हैं मेजरिंग डिवाइस है जिसे वोल्टेज मीटर करंट डिटेक्टर कहा जाता है। तो इसे किस तरह यूज़ किया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये आइडेंटिफाई के लिए काम आता है, ये मेजरिंग डिवाइस है, ये आइडेंटिफाई के लिए काम आता है। आप चेक कर सकते हैं आपका मोबाइल का चार्जर और केबल, उस दोनों में आपको चेक करना है कि चार्जिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, स्लो चार्ज हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा है तो आप अपना केबल चेक कर सकते हैं इसका द्वारा। ये मेजरिंग डिवाइस का यूज़ करने से आपको पता चलेगा। तो आपका चार्जिंग स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है, आपका चार्जिंग ख़राब है, केबल ख़राब है। जैसे कि हम लोग का केबल ख़राब होता है तो क्या करते हैं, हम लोग किसी दूसरे का केबल एक यूज़ करते हैं, चेक करते हैं, और केबल सही है तो फिर चार्जर चेक करते हैं। इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं। अगर ये डिवाइस आप यूज़ करेगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा दूसरे से लेने का। और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। जैसे हमारा केबल ख़राब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाके लोकल केबल लेके आते हैं और उससे कनेक्ट तो दिखाता है मोबाइल चार्ज हो रहा है लेकिन बहुत स्लो होता है। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि कितना फास्ट चार्जिंग हो रहा है। तो चलिए हम आपको चार्ज करके दिखाते हैं कि ये किस तरह चार्ज, इससे पता चलता है चार्जिंग क्या कंडीशन में है, किस तरह हो रहा है फास्ट। तो इसमें आपका पूरा रीडिंग दिखाएगा, इसका वोल्टेज और करंट। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि आपका मोबाइल किस कंडीशन में चार्ज हो रहा है, फास्ट या स्लो। जैसे कि हम लोकल ब्रांड का अगर हमारा चार्जर सही है और मोबाइल का कैपेसिटी जो बैटरी का होता है 3500 ऐसा होता है, और चार्जिंग अडेप्टर है और 2 एम्पियर का होता है, अगर केबल हमारा लोकल है तो बहुत स्लो चार्ज होगा। तो हम केबल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा केबल कितना आउटपुट दे रहा है। तो चलिए हम आपको कनेक्ट करके बताते हैं और किस तरह चेक किया जाता है। तो देख सकते हैं मेजरिंग डिवाइस है, ये एलसीडी है, इसमें रीडिंग दिखाएगा और हमारा पास एक चार्जिंग अडेप्टर है। तो हम चार्जिंग अडेप्टर में इसको क्या करेंगे, लगाएंगे। चार्जिंग अडेप्टर में लगाने के बाद इसमें हम आप देख सकते हैं, थोड़ा ये देख सकते हैं, ये वोल्टेज इधर में दिखा रहा है, जो नीचे है वो नीचे इसका काउंटिंग हो रहा है। तो रिसेट कर सकते हैं, हमें एक स्विच है जिसे आप 0 कर सकते हैं। और ये आपका वोल्टेज दिखाई दे रहा है, इसका वोल्टेज 5.26 है। हर चार्जर 5 वोल्ट का ही होता है। ये ब्लिंकिंग कुछ हो रहा है, चलिए मैं इसको फिर करता हूँ। ये वोल्टेज हर चार्जर का 5 वोल्ट ही होता है। तो चलिए हम आपको मोबाइल में कनेक्ट करके दिखाते हैं कि मोबाइल में कितना एम्पियर जा रहा है। आप देख सकते हैं ये हो गया, वोल्टेज से आपको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है वोल्टेज, लेकिन रह गया आपका इम्पोर्टेंट होता है जो करंट होता है, जो एम्पियर होता है, जो हमारा चार्जिंग से आउटपुट हो रहा है, कितना एम्पियर आउटपुट हो रहा है जो मोबाइल में जा रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं 1.02 वन एम्पियर है, यानी 1000 mA हो गया, 1200 इसका आउटपुट जा रहा है मोबाइल में। तो इस कंडीशन में हमारा मोबाइल फास्ट चार्जिंग होगा और कंडीशन सही है, क्योंकि वो 2 एम्पियर का चार्ज है। तो 1 एम्पियर हमारा दिखा रहा है और हमारा 50% लगभग चार्ज हो चुका है, तो उस हिसाब से दिखा रहे हैं तो सही है। अगर अगर हमारा 0% अगर चार्जिंग रहता मोबाइल में तो ये हमें 1 पॉइंट से ज़्यादा दिखाता, 1.5 mA दिखाता, हालांकि इसमें 1.02 है, 1.5 नहीं है। तो इस वजह से इससे हमें मालूम चलता है कि हमारा मोबाइल चार्ज किस कंडीशन में हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्लियर है, 1.02 इसका एम्पियर जा रहा है। अगर हम केबल चेंज करते हैं तो देखते हैं कि क्या इसका कंडीशन रहता है। चलिए हम इसको निकाल देते हैं और केबल हम चेंज करके देखते हैं। और आपका चार्ज मोबाइल चार्ज अडाप्टर जो होता है, तो अडाप्टर सही है और आपका केबल सही नहीं है, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर लोकल चार्जिंग लोकल केबल आप यूज़ करिएगा तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये देखिए, हमारे पास दूसरा केबल लगाया हूँ और इसमें देखिए कितना इसका रीडिंग आ रहा है, ये 9 वोल्ट का है। इसका बारे में हम बाद में आपको बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये 5 वोल्ट और 9 वोल्ट में ये क्या डिफरेंट है। ये फास्ट चार्जिंग का अडाप्टर है इसलिए 9 वोल्ट दिखा रहा है। इसका फास्ट चार्जिंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फास्ट चार्जिंग से मतलब किस तरह काम करता है। तो फिलहाल हम फास्ट चार्जिंग का बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम एम्पियर का बात कर रहे हैं। ये 9 वोल्ट जा रहा है क्योंकि ये आसूस का है, इसका मोबाइल का साथ में जो अडाप्टर आया है उसका है, इसलिए इसका ये फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर है, इसलिए 9 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसमें देख रहा है 0.86, तो इसमें बहुत कम है, तो हमारा केबल ये सही नहीं है, ये मोबाइल के लिए ये केबल सही नहीं है, इसमें एम्पियर कम दिखा रहा है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा नोटिफिकेशन हमारा पाने के लिए।
चलिए मैं अब इसको निकाल के इसको लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि लैपटॉप में कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर दे रहा है। ठीक है, यही केबल यूज़ करूँगा, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करूँगा एडेप्टर। तो मैं ये देख सकते हैं 5 वोल्ट 0.44। हालांकि ये बात आप सभी को मालूम होगा, कंप्यूटर से बहुत स्लो चार्ज होता है मोबाइल, तो कंप्यूटर से स्लो चार्ज क्यों होता है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम्पियर बहुत कम जा रहा है 0.44। इस वजह से आपका अगर लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करिएगा तो बहुत स्लो होगा। तो ये स्मेशिंग डिवाइस का, ये अमेजिंग डिवाइस का ये बेनिफिट है, इससे आपको वोल्टेज और करेंट मालूमत हो सकता है। ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। बेल आइकन